Today we are going to discuss Two Virgins novel by Kamala Markandeya. So friends, it is a 1974 novel, and in this we talk about the writer Kamala Markandeya. We know her real name is Kamala Purnia, and she was born in 1924 and died in 2004 in England, and she was born in India. सो अगर हम इस नोवेल की बात करें तो इस नोवेल के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडियंस जो हैं उनकी किस तरीके से एक स्ट्रगल्स है ईस्ट और वेस्ट वैल्यूज़ में, क्योंकि मोस्टली जो कमला मार्कंडेया के जो नोवेल होते हैं इसमें कॉन्फ्लिक्ट ही दिखाया जाता है, चाहे वो पुअर और रिच में हो, चाहे ईस्टर्न वेस्टर्न में हो या अर्बन रूरल में हो. अब यहाँ पे जो कमला मार्कंडेया हैं जो इस नोवेल के अंदर किस तरीके से दो सिस्टर्स की स्टोरी सुनाती हैं, टू वर्जिन्स मतलब कुंवारी कन्याएं हैं, और वो अब जो उनकी प्रॉब्लम है वो किस तरीके की प्रॉब्लम है. एक तरफ जहाँ पे एक सिस्टर को मॉडर्न सोसाइटी पसंद है, वहाँ पे दूसरी सिस्टर जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल है. यहाँ पे अगर मैं कैरेक्टर्स की बात कहूँ तो कुछ ज़्यादा नहीं है और बहुत सिंपल हैं. हम नोवेल के टाइम पे भी डिस्कस कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ. ललिता है जो आप कह सकते हो प्रोटैगनिस्ट, जिसके बारे में इस नोवेल में हम बात करेंगे, और इसकी जो सिस्टर है यंगर सिस्टर सरोजा. यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ कि ईस्टर्न और वेस्टर्न में जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, तो वो ललिता जो है वो मॉडर्न वेज को लाइक करती है, लाइफ की मॉडर्न वेज को, और सरोजा जो है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल गर्ल है और बहुत ही मैच्योर्ड गर्ल है. अप्पा इन दोनों सिस्टर्स के फादर हैं और अम्मा इन दोनों सिस्टर्स की मदर हैं. ललिता है जो बड़ी बहन है और सरोजा छोटी बहन है. मिस मंडोजा एक एंग्लो इंडियन लेडी हैं जो स्कूल रन करती हैं जिसमें ललिता पढ़ती है, मतलब एक्सपेंसिव एंड सुपीरियर स्कूल. मिस्टर गुप्ता एक फिल्म डायरेक्टर हैं जो गांव में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए हैं. देवराज उनके असिस्टेंट हैं. आंट अलामेलू जो हैं वो विडोर सिस्टर हैं अम्मा की, मतलब अम्मा की बहन हैं जो विधवा हैं. अब ये जो दोनों सिस्टर्स हैं ललिता और सरोजा, ये इनके ही साथ रहती हैं, मतलब अपने अप्पा अम्मा और आंट अलामेलू के साथ में. लच्छू जो है वो गांव का एक आदमी है, और यहाँ पे ललिता जो है वो फ्लर्टिंग टाइप की लेडी है, मतलब मॉडर्न वेज लाइक करती है. यहाँ पे इसको कोई एडमायर करता है, इसको बहुत अच्छा लगता है, यहाँ तक कि फ्लर्ट करते हैं तभी भी अच्छा लगता है. तो लच्छू भी उन्हीं में से एक है, ऐसा फ्लर्टिंग पर्सन विलेज का. मनिकम जो है वो एक गाँव का आदमी है जिसका जो बीबी है वो स्मॉल पॉक्स की वजह से मर जाता है. तो यहाँ पे इन कैरेक्टर्स के ज़रिए सिर्फ दोनों ये जो बहनें हैं इनका कैरेक्टर बताने की कोशिश की गई है कमला मार्कंडेया जी की ने, कि ललिता और सरोजा के लिए लाइफ किस तरीके से डिफरेंट तरीके की है, और डिफरेंट मेंटेलिटी है उनकी, और डिफरेंट तरीके से जीना चाहती हैं वो. आप यहाँ पे कमला मार्कंडेया जो हैं वो अडोलसेंट गर्ल्स हैं ये दो, इनमें ये जो मॉडर्न सोसाइटी है इसमें किस तरीके से ये अपने प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करती हैं वो हम देखेंगे. और इसमें हम ये देखेंगे कि जो ललिता है वो किस तरीके की गर्ल है और सरोजा किस तरीके की हैं. जहाँ पे ललिता जो है वो वेल्थ ग्लैमर प्लेजर इस तरीके की चीज़ें पसंद करती है, मतलब, लेकिन यहाँ पे दूसरी बहन जो है वो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज में रहती है. मतलब कहीं ना कहीं वो सेम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए भी उन दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्योंकि एक जो सरोजा है वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट में रहती है, और दूसरी तरफ उसको अपने फादर से बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिली थी, लिबर्टी मिली थी, इसलिए वो बहुत डिफरेंट है. ललिता जो है वो देखने में सुंदर है, इसलिए उसके अप्पा जो हैं वो उसको कुछ ज़्यादा लाइक करते हैं, कि उनको ऐसा प्राउड फील होता है कि मेरी डॉटर कितनी ब्यूटीफुल है. लेकिन अम्मा के लिए दोनों ही जो डॉटर्स हैं ललिता और सरोजा दोनों सेम ही हैं, उसके नज़र में उनकी दोनों ही बेटियां हैं और दोनों बेटियां बराबर हैं. अब यहाँ पे जो देखते हैं कि जो इनमें जो डिफरेंस है कि किस तरीके से ललिता जो एल्डर सिस्टर है वो मॉडर्न वेज को लाइक करती है, और उसको छोटी छोटी चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे कि जब गांव में मनिकम का जो बेबी मरता है स्मॉल पॉक्स की वजह से,
तो सरोजा को बहुत बुरा लगता है, वो भी उसके लिए क्राई करती है, लेकिन यहाँ पे ललिता को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो सोचती है कि वो इतना परेशान हो रहा था, इतना दुखी था, तो शायद सही ही हुआ है। तो इस तरीके की इनमें डिफरेंस है। साथ ही साथ हम मिस मंडोजा के बारे में देखें तो मिस मं यहाँ पे इन दोनों गर्ल्स को अलग अलग स्कूल में भेजा जाता है इनके अप्पा की वजह से। जैसा कि मैंने बताया कि अप्पा ललिता को ज़्यादा लाइक करते हैं, तो अप्पा ने इसको मॉडर्न बनाने के लिए मिस मंडोजा जो एंग्लो इंडियन लेडी हैं उनकी एक्सपेंसिव और सुपीरियर स्कूल में भेजा था। दूसरी तरफ सरोजा को एक ट्रेडिशनल स्कूल में भेजा था। दोनों में बहुत मतलब सेम बैकग्राउंड, सेम पेरेंट्स होने के बावजूद भी पालन पोषण में फ़र्क है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर गुप्ता हैं, इनसे मिलाती हैं मिस मंडोजा, क्योंकि ललिता को वो डांसिंग वगैरह सिखाती हैं। और मिस्टर गुप्ता जो हैं वो इस गांव में एक फिल्म डायरेक्टर हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने के लिए आए हैं। तो वो मिस मंडोजा जो हैं वो ललिता को मिस्टर गुप्ता से मिलाती है, और मिस्टर गुप्ता के साथ में वो बिना बताए वो मतलब इतने ख्यालों में खो जाती है कि मैं मतलब इतना नेम फेम और मतलब सिर्फ इंडस्ट्री के बारे में सोचती है। तो ललिता जो है वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए सिटी में चली जाती है, मिस्टर गुप्ता से मिलती है, मिस्टर गुप्ता के यहाँ पे मिस्ट्रेस की तरह रहती है वो। और उसके बाद में मिस्टर गुप्ता उसको सिड्यूस करते हैं और वो घर पे वापस आती है प्रेग्नेंट। अब जैसा कि गांव का जो रूरल एनवायरनमेंट होता है कि ये सारी चीज़ें छुप नहीं सकती ज़्यादा टाइम तक, तो अम्मा और अप्पा को परेशानी होने लगती है। तो वो सोचते हैं कि हम ललिता और सरोजा को लेकर सिटी में जाएंगे और मिस्टर गुप्ता से बात करेंगे कि ललिता के लिए उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो उठाएं। लेकिन यहाँ पे जब वो जाते हैं तो मिस्टर गुप्ता जो हैं वो बिल्कुल मना कर देते हैं कि ये सब कुछ मतलब अगर इसको मॉडर्न लाइफ पसंद है और इसने जो किया उसमें अब जितनी मेरी मिस्टेक है उसकी उतनी ही इसकी भी है, तो वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जब इसको कहा जाता है कि अबॉर्शन के लिए कि तुम्हें खर्चा उठाना पड़ेगा, तो मिस्टर गुप्ता अबॉर्शन का खर्चा उठाते हैं और ललिता का अबॉर्शन करवा दिया जाता है। दूसरी तरफ देवराज जो होता है मिस्टर गुप्ता के असिस्टेंट, वो सरोजा को सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरोजा ने एक चैप्टर सीख लिया है अपने एल्डर सिस्टर से और वो उसको अपना फ़ायदा उठाने नहीं देते हैं। मतलब यहीं पर हमें ये पता चलता है कि दोनों गर्ल्स जो हैं वो कितनी उनकी आइडियोलॉजीज़ हैं वो कितनी डिफरेंट हैं, एकदम सिमिलर बैकग्राउंड से बिलोंग करने के बावजूद भी। यहाँ पे ललिता जो है वो वेस्टर्न लिबरल लाइफस्टाइल में इतनी खो गई हैं कि उसको कुछ भी नहीं पता कि क्या कर रही है वो। यहाँ पे बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट, अपने आप को एकदम इंडिपेंडेंट देखना चाहती हैं ललिता जो। लेकिन सरोजा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। सरोजा जो है वो लाइक करती है अपनी बहन को, एज ए रोल मॉडल लेती है, लेकिन फिर भी वो उसके मतलब वो जो है ललिता जो है वो उसी को एज उसकी लाइफ जो है उसी तरीके से पसंद है। सरोजा अपनी लाइफ अलग तरीके से पसंद है, वो तो छोटी छोटी चीज़ों में ही खुश हो जाती है, अपने काव काफ इन सब की मतलब घर के काम काज और इन सब में ही खुश रहती है। तो इनमें क्या जब ये सरोजा जो है ये तो वापस आ जाती है, ललिता को भी ये चाहते हैं वापस ले आते हैं, लेकिन ललिता ज़्यादा टाइम नहीं रुकती है, वो वापस चली जाती है क्योंकि उसको रह रहकर सिटी के जो एनवायरनमेंट है वही याद आता है, वही उसे अच्छा लगता है कि एकदम फ्री और लिबरल टी उसे पसंद आती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ सरोजा को कल्चरल वैल्यूज़ पसंद है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास रुकती है और ललिता जो है वो किसी को बिना बताए एक नोट लिखकर वापस सिटी में चली जाती है। यहाँ पे सिटी में जाने के बाद में उस नोट में ये भी लिखा होता है कि मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें, लेकिन यहाँ पे अप्पा और इन सब ने काफ़ी कोशिश की थी उसे ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिली। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो ललिता है वो मतलब उसके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर तो है ही, साथ ही साथ में उसमें सेल्फिश भी है वो, अपने गोल्स को लेकर अपने डिज़ायर्स को लेकर, क्योंकि उसको किसी के जैसे कि मैंने मनिकम के बेबी का एग्जांपल दिया और इस तरह की चीज़ें उसको मतलब कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं करती हैं, दूसरी तरफ सरोजा को करती हैं। और यहाँ पे जैसे मिस्टर गुप्ता लच्छू और इन सब के जो फ्लर्ट करते हैं उसे सिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए उसका रिएक्शन जो है ललिता का वो अलग है। ललिता को यहाँ तक कि उसकी मदर ने भी टोका था एक बार इन सब के लिए, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
ललिता का इतना सेल्फिश नेचर है कि वो किसी के लिए सिंपैथी कम ही रखती है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अपनी जो बहन है सरोजा, उसके वो बिल्कुल अलग हैं, और उसने अपनी बहन से ही कुछ चैप्टर सीखा था, इस वजह से उसने बहुत ही सिंपल कोड ऑफ कंडक्ट में रहती है वो। और यहाँ पे इन दोनों सिस्टर्स के बारे में कि किस तरीके से उन दोनों का नेचर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, तो हम इस नोवेल में यही सब कुछ देखा है इन दोनों के बारे में कि ये दोनों अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू और अपने अपने कैरेक्टर्स की वजह से सेम बैकग्राउंड के साथ में भी ये डिफरेंट लाइफ जीती हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द थम्स अप बटन। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल। पुट योर व्यूज़ एंड सजेशन इन कमेंट बॉक्स। सो थैंक यू।